और एक ऐसा लिगेसी बनाने का कि आपके जवानी में भी काम आएगा, आपके मिड एज में भी काम आएगा, आपके बुढ़ापे में भी काम आएगा, और आपके आने वाले उन बच्चों के लिए भी काम आएगा जिनकी लाइफ स्ट्रगल से स्टार्ट होगी। क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, 90%, 98%, 99%, बट अभी वो बच्चे भी जो 98-99 लाएंगे उनके लिए भी जॉब अभी मार्केट में नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आने वाले लोगों के लिए तंगी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए हमको इसको बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे जो घर में बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं 12 साल 13 साल के, बहुत जल्दी टाइम गुजरते वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी वो 20-22 के भी हो जाएंगे और अर्निंग का वो सिचुएशन भी उनके लिए क्रिएट होगा और डिमांडिंग हो जाएंगे। तो लेट्स बिल्ड दिस बिजनेस जहाँ पे हर उस सिचुएशन को हम फेस कर पाए और कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जिंदगी में तो हमें नुकसान ना झेलना झेलना पड़े। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को जो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं उनको फील हो रहा है। तो लेट्स लेट्स कम टू द स्क्रीन। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ विष्णु, हाँ हाँ सर, मैंने तुमको अनम्यूट किया है, अगर कुछ साउंड का या कुछ प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ओके, ठीक हाँ क्योंकि सब सब म्यूट पर रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, मेरी है आवाज जा सर। रही है। फाइन, आई थिंक ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू दिस एक्साइटिंग प्रेजेंटेशंस ऑफ करियर पाथ व्हिच यू विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन कंप्लीट योर प्लैटिनमशिप जर्नी इन 3 फेजेस। 3 फेजेस में आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो बहुत ही क्लोजली हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 3 फेज ऑफ बिजनेस। पहला फेज आप देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 मंथ्स विंडो। कि कोई भी बंदा अगर अप्रैल से स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आप उसको क्या क्या करना है पहले वो देखते हैं, देन आई विल कम बैक टू दिस। जो नए लोग इस बिजनेस में आए हैं उनके साथ फर्स्ट 90 to 120 days, मतलब 3 months से 4 months के अंदर में क्या क्या चीजें करनी होती हैं, सो दैट द पर्सन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस बिजनेस। और जो थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है और जो क्लैरिटी है बिजनेस को लेकर के, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। बिकॉज इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो कहते हैं धोखा होने का जो चांस होता है कि आप तो उसको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या सामने वाला आगे बढ़ने के लिए रेडी है? आप तो प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, अपने फैमिली का टाइम कट करके, इम्पॉर्टेंट चीजों को कट करके आप उसको हेल्प करने के लिए और उसको बिल्ड करने के लिए रेडी हैं, तो क्या सामने वाला कैंडिडेट जो है वो डिजर्विंग है? क्या वो भी उसी हिसाब से प्राइस पे करना चाहता है? क्या उसके लाइफ में वो 12 लाख जो है वो मायने रखता है, या मिड में भी जो उसको 15,000, 20,000, 50,000 जो मिल रहा है क्या उसके लिए वो लाइफ में मायने रखता है? तो सामने वाला बंदा अगर प्राइस पे करने के लिए रेडी है, एडिशनल कमिटमेंट के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा आवर मेहनत करने के लिए रेडी है, तो बात तो बनेगी। नहीं तो आप चले यार धक्का मार में बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक बिजनेस को लेके नहीं जाए जा पाएंगे, आप थक जाएंगे। तो ऑलवेज लुक फॉर पीपल जो म्यूचुअल कहते हैं कि ऑनरिंग द पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को जो ओनर करे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, ऑनरिंग द पार्टनरशिप। हम 4 कदम चल रहे हैं, आप 4 कदम चल रहे हो, हम 40 चलने के लिए रेडी, बट 4 कदम आप चलोगे तो सही, नहीं तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे और बोलोगे नहीं बस आ गया हूँ इस बिजनेस में और मैं चमक जाऊंगा। भाई आकर के कोई चमकता नहीं है इस बिजनेस में, इन करने के बाद आप सोचेंगे कि बैठे बैठे हम 12 लाख रुपए कमा ले। आप खुद के प्रेजेंट प्रोफेशन में सोचिए, यहाँ पे जितने लोग हैं अभी कनेक्टेड 42-45 पीपल, आई थिंक इसमें बहुत सारे लोगों का तो 12 लाख का पैकेज भी नहीं होगा, इतने साल तो जॉब कर चुके, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये कह दूं कि आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बट आपके तरफ से भी वो 100% कमिटमेंट चाहिए। तो जो फर्स्ट 90 डेज 120 डेज होता है वो बहुत ही
क्रूशियल होता है नए बंदों को स्टार्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहले उनको कुछ बुक्स रिकमेंड करना है पढ़ने के लिए इस बिजनेस का। बाइबल बोल लीजिए, कुरान बोल लीजिए, गीता बोल लीजिए, ग्रंथ बोल लीजिए। जो पहला वाला है LYF, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। दिस बिजनेस इज गोइंग टू लॉन्च योर फ्यूचर। जैसे लॉन्च पैड होता है ना रॉकेट के लिए, जब हम मार्स में या मिशन में कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो जब रॉकेट उड़ता है ना तो उसका मैक्सिमम एनर्जी जो है ना वो नीचे की तरफ जाता है। आप भी जब देखे होंगे कि दीपावली में जब आप रॉकेट जलाते हैं तो जब नीचे आग लगाते हैं ना तो आग नीचे फेंकता है और थ्रस्ट ऊपर जाता है, तो आग नीचे लगाना पड़ता है। तो ये लॉन्चिंग योर फ्यूचर है जो आपके अंदर वो आग क्रिएट करेगा कि आपका जो लॉन्च पैड है ना वो बहुत अच्छा होगा इस बिजनेस में। तो इस बुक को पढ़िए, इस बिजनेस को कैसे करना होता है उसके अंदर सारा कुछ लिखा है। नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क से क्या मिलेगा, लोगों को कैसे अप्रोच करना होता है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको बार बार पढ़िए। एंड सेकंड इज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप छोटे सोच के साथ बड़ा काम नहीं कर सकते। टू बिकम बिग यू हैव टू थिंक बिग। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा सोच चाहिए। तो अभी तक तो हम मीडियोक्रिटी और मिडिल क्लास के सोच में थे, तो जब ये बुक आप पढ़ेंगे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आपका सोच जो है ना वो बदल जाएगा, आपका सोच जो है वो स्काई हाई हो जाएगा, आप बड़ा सोच पाओगे, तब जाकर के ये बिजनेस आप बड़ा बना सकते हो। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ना जरूरी है। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग अ वेरी कंफ्यूज लाइफ। जिस चीज को लायबिलिटी बोला जाता है उसको वो एसेट समझते हैं, और जिसको एसेट समझा जाता है उसको लायबिलिटी समझते हैं। बड़ा कंफ्यूजन की लाइफ हम लोग जी रहे हैं, है ना। अभी आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो घर है वो मेरा एसेट है। घर तब एसेट बनेगा जब वो लिक्विड पैसा आपको देगा। एसेट मींस कि जब उस घर को आप बेच देंगे पैसा हाथ में आएगा, दैट इज एन एसेट। बट जिस घर को बेच देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ, क्वेश्चन तो ये है। आपके पास 5 घर है और 4 घर से आपका रेंटेड प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, तो दैट इज एसेट। सिंगल घर आपका एसेट नहीं है। प्रॉपर्टी इज नॉट एन एसेट। प्रॉपर्टी अभी आपका पेपर पे है, उसको आप बेचोगे तब वो लिक्विड होगा, तो उसको सेल करना पड़ेगा। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप पढ़ो, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ो, जहाँ पे आपको फाइनेंस की समझ में आएगी और ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। जिस बिजनेस में आपने एंट्री मारा है वो सारा डाउट और सारा जो क्वेश्चन है ना, हिडन क्वेश्चन, उसका आंसर आपको मिलेगा वहाँ पे। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और बड़े बनिए। बहुत अच्छी किताब है, रीड दिस बुक। इससे आपका सोच जो है, कहते हैं जो रिच लोग कर रहे हैं वो क्या करके रिच बने हैं, आप वही चीज करो आप भी बन जाओगे। तो वैसी संगत आपको इस बुक के थ्रू मिल जाएगी। पैराबल ऑफ पाइपलाइन, आप ये बुक भी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब में और इस बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ये बिजनेस जो हम लोग बना रहे हैं ना, एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, आगे जाकर के जब एक नेटवर्क आपका बिछ जाएगा ना, जाल बिछा रहे हैं। एक बार जब आपका जाल बिछ जाएगा, आप उसमें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एक डंडा पकड़ के मैं बिठा दूं कि मछली पकड़ो, तो शायद दिन भर भी बैठ करके आप 2-3 ही पकड़ पाएंगे, लेकिन जब आप जाल बिछा देंगे तो उस जाल में हजारों लाखों मछलियां फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिजनेस जो है वो जाल बिछाने का है, तब जाके आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। स्किल विद पीपल, लोक व्यवहार की शक्ति, लोगों से कैसे बात करना है। आप अपने बारे में ज्यादा तारीफ कीजिएगा, लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट अदर्स, आप सामने वाले के बारे में जानना चाहेंगे, आप सामने वालों को सुनेंगे तब जाकर के वो आपसे कनेक्ट करेगा। आप जितना भी अपने बारे में तोप बोल दीजिए, बड़ा बड़ा बातें बोल दीजिए, उससे उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने आप में इंटरेस्ट है। तो ये स्किल आपको समझ में आएगा कि उसको पढ़ करके आप अच्छे लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। देन कुछ सीडीज हैं जो आपको सुनना होगा। रैली सीडी, जो इस बिजनेस में डायमंड बन के लोग जो फ्री हुए हैं, जो महीने का 10-15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं महीने का, तो आप उनको जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हर कैटेगरी के लोग इसको कर पाए हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या इनसे गया गुजरा हूँ क्या, या मेरा एजुकेशन इनसे कम है। स्टोरी सीडी, लोगों ने कितने मुश्किलात से भी इस बिजनेस को किया है, क्योंकि हो सकता है मिस्टर हुसैन से बहुत सारे लोग कनेक्ट ना करें, हो सकता है कि कहते हैं कि वी टॉक टू एवरीवन बट कनेक्ट टू फ्यू, हम सबसे बात करते हैं बस कनेक्शन कुछ ही लोगों से बैठता है। तो जब आप स्टोरी सीरीज सुनेंगे तब जाकर के किसी ना किसी एक से आपका कनेक्टिविटी बैठ जाएगा और आपके लाइफस्टाइल उनसे मैच करेगा। जिस सिचुएशन, जिस सर्कमस्टांसेस में और जिस चैलेंजेस के साथ उन्होंने बिजनेस किया है, वो आपको समझ में आएगा कि चलो मैं भी कर सकता हूँ। देन मैकेनिक्स टू बिल्ड बिजनेस, कैसे टीम बनाई जाती है, विड्थ क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी सीरीज आती है। फिर आप ये भी सीरीज सुनिए तो आपको अपना बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो दीज आर लर्निंग, लर्निंग का कोई एज नहीं होता है, लोग बुढ़ापे में भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, हर लोगों से सीखते हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि इतने सारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे सेमिनार चल रहा है, हम क्या हर जगह पे सेमिनार जाके अटेंड कर सकते हैं? इज इट वर्थ वाइल? क्या हमारे पास इतना एक्सेसिबिलिटी है, क्या हम जॉब छोड़ करके केरला में जो सेमिनार हो रहा है वो अटेंड करें, या मुंबई में अटेंड करें?
लोकली अटेंड कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। वहां जो सेमिनार चल रहा है जिसको हम अटेंड नहीं कर पाए, जो हमसे मिस हो गया, वो सीडीज में आपके पास आ जाती है, आप उनको सुन सकते हैं घर में बैठ कर। एसोसिएशन, जैसी संगत वैसी रंगत, आपको एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। एम्बे के प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जूम के थ्रू अभी सारा ट्रेनिंग हो रहा है और ये हमेशा कंटिन्यू भी रहेगा, तो आप जितना भी नॉलेज और ट्रेनिंग ले सकते हैं वो आप ट्रेनिंग लीजिए। बिजनेस वर्कशॉप्स होते हैं कि बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जाए, जितने भी लीडरशिप हैं जो इस बिजनेस में सिल्वर एंड अप हैं वो आपको सिखाने के लिए रेडी है, तो आप उनके वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए। और टिट्स एंड बिट्स, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ दिस बिजनेस यू कैन लर्न, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जो गड्ढा आपको दिखने वाला है वो गड्ढा हम भर देंगे, जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम सीधा कर देंगे, तो वो वर्कशॉप से ही होगा। देन हमारा जो पेस मीटिंग होता है, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप छोटे लेवल पे अपने ग्रुप के अंदर टॉपिक्स लेते हो, डिस्कस करते हो और आपको स्टेज में बोलने का मौका मिलता है। जब आप धीरे धीरे ग्रूम अप हो जाते हो तो आपका बड़ा स्टेज भी आपको डराएगा नहीं, आप बड़े स्टेज से भी डरोगे नहीं। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो कहते हैं ना छिपी हुई पोटेंशियल थी वो इसी बिजनेस के थ्रू निकली है। ऐसे ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए जाकर के, जो कभी सोचे भी नहीं थे वो स्पीकर बनेंगे, क्योंकि छोटे लेवल पे उनको इतना ज्यादा ग्रूमिंग किया गया कि उनके अंदर का छिपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकल गया, अभी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। चेंज इज हैबिट्स टू कोर, और जो नए लोग हैं उनको कोर बनाना है। कोर का पैरामीटर क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, और उनको हेल्प करना है 40-50 कस्टमर्स बनाने के, क्योंकि इस बिजनेस में जब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, आप एक पान दुकान खोलोगे तो भी आपको कस्टमर्स चाहिए, जब आपका पान बिकेगा तो पैसा आएगा। चाय दुकान में चाय पीने वाले लोग होने चाहिए, रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग होने चाहिए, तो हर जगह पे क्लाइंट सर्विसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि मैं सेलिंग के नाम से घबराता हूँ, अरे कहीं ना कहीं तो आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो ना, आप अपने एजुकेशन का नॉलेज सेल कर रहे हो, जब तक कुछ बिकेगा नहीं पैसा कहाँ से आएगा। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, चाहे वो आईटी कंपनी ही क्यों ना हो, उसका जब तक सेल नहीं होगा, उसके सॉफ्टवेयर सेल नहीं होंगे, उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीशन नहीं होगा, तो वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा, और रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो ये बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने के लिए कस्टमर्स क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ पे हम आपको हेल्प करने वाले हैं कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, कि कैसे आपके वो कस्टमर बने और आपका जो टर्नओवर है वो स्ट्रीमलाइन हो, स्मूथ हो जाए। अब हम आते हैं पीछे की तरफ। अभी जो नए लोग आए हैं ना, उनको जो 90 टू 120 डेज की बात कही गई है, तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो जो भी नए लोग आए हैं, पहले उनको सिखाया जाए कि वो 5000 का बिजनेस कैसे कर सकता है, फिर नेक्स्ट मंथ में उनको सिखाया जाए कि वो 100 पीवी का बिजनेस कैसे कर सकता है, 10000 का टर्नओवर कैसे हो सकता है। तो जब ये 5 मंथ्स के विंडो में धीरे धीरे करके हम उनको जब सिखाना शुरू करते हैं, तो 5 मंथ्स में वो बंदे के अंदर 30-40-50 कस्टमर्स क्रिएट हो जाते हैं, और कम से कम उसका बिजनेस इतना सस्टेनेबल हो जाता है कि 4-5 महीने में उसके पास नहीं पर भी तो 4-5 हज़ार रुपए का महीने का इनकम आना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी बंदे को आपने 4-5 हज़ार रुपए का भी इनकम सेट करवा दिया थ्रू कुछ कस्टमर्स और घर का कुछ थोड़ा बहुत कंजम्पशन उसका, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि साल में वो महीने आप सोचिए, एक साल उसको इंक्रीमेंट के लिए लगता है ना, 4,000, 3,000, 5,000 सैलरी बढ़ने के लिए। अभी जब वो 3-4 महीने में 5 महीने में वो अगर महीने का 5,000 रुपए कमाने लगता है तो वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसके अंदर में इतनी क्षमता हो गई है और वो बिजनेस को इतना समझ चुका है और उसका कस्टमर बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उस पैसे से वो नीचे नहीं गिरेगा। दिस इज अवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें पता है। उसके बाद उसका जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होगा, वहां से फिर आप उसको हेल्प कीजिए उसको स्ट्रक्चर बनाने में। कुछ लोग उसके नीचे आएंगे, जब 3 लोग उसके नीचे आ गए और 3 लोगों को आपने उसी तरह से ग्रूमिंग किया, आपने जो यू दिखाया, मैंने ग्रीन कलर में यू लिखा है, तो पहले हमने उनको ग्रूम किया 5 महीने में, फिर जो नीचे लोग आए उनको हमने काम सिखाया और ग्रूमिंग किया, तो मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया है कि 3 लेग जो है आपका 20,000 के टर्नओवर से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखिए कि 10 मंथ्स के विंडो में वो January 21st तक वो 1200 PV पे पहुंचता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, हो सकता है कि आप पहले भी कर लें, बट हम बिल्कुल स्लो तरीके से जा रहे हैं कि एक ग्रेजुअल हम ग्रोथ ले रहे हैं टीम को बनाते हुए, ताकि एक बार जो चीज हम बनाए हमको दोबारा ना बनाना। दिस बिजनेस इज व्हाट, कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, एक ही बार बनाइए और अच्छे से बनाइए, बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। चलने थोड़ा सा स्लो रहता है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आप जनवरी दिसंबर के अंदर आप 9% लेवल पे जा सकते हैं, 1200 पीवी इज नथिंग बट 9%, और जहाँ पे 10,000 से 12,000 रुपए महीने का आपका आना शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सोचिए अपने सैलरी के साथ या जो भी काम अभी आप कर रहे हैं, ये एडिशनल 1.2-1.5 लाख का इनकम आपका आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द फेज वन की पहले फेज में आपको इस बिजनेस में 9% लेवल पे जाना है, और जो मैंने स्ट्रक्चर नीचे दिखाया है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें काम करना है कि एटलीस्ट हमारा 3 ग्रोइंग लेग होना चाहिए, 3 ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, 3 टीम होनी चाहिए जिसके साथ हमको मिलकर काम करना है। तो पहले हमें 3 का टीम बनाना है, देन 120 डेज का जो मैंने विंडो दिखाया कि ये सब चीजें एक नए बंदे के साथ करना है, तो वो बिजनेस में टिकेगा, उसको बिजनेस में अपना फ्यूचर नजर आएगा, उसको बिजनेस में अपना करियर नजर आएगा, और एक बार बंदे के दिमाग में वो सेट हो गया कि बिजनेस उसको क्या मिलने वाला है और वो जर्नी उसको समझ में आ गया, वो पीछे कभी मुड़कर नहीं दिखेगा, ही विल ऑलवेज देयर विद यू, आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ा रहेगा, बिकॉज उसका भी इनकम बढ़ने वाला है। देन ये बिजनेस में आप देखिए, पहले आपको खुद को कोर बनना है, मतलब हम कहते हैं कि हमको कोर चाहिए, कोर का मतलब मैंने आपको दिखा दिया, तो वो आपसे स्टार्ट होता है। अभी जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, आप खुद बुक पढ़ेंगे तभी आपका कंसाइंस अंदर से आवाज आएगी, तभी आप दूसरों को बुक पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। आप खुद सीडी नहीं सुनेंगे, आप दूसरों को बोल ही नहीं पाएंगे, आप जो चीज करेंगे वही चीज बोल पाएंगे आप। तो आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप देखिए अभी कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, जो नए लोग आए हैं, जब वो खुद मीटिंग में जुड़ रहे हैं तो उनके साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया वो जुड़ना बंद कर देंगे तो नीचे वाले भी गायब हो जाएंगे। तो स्टार्ट होता है आपसे। तो पहले क्या करना है इस बिजनेस में, जो जॉब में उल्टा होता है, जॉब में क्या होता है कि लाखों लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं 5 जॉब के लिए, 5 पोजीशंस के लिए लाखों लोग आते हैं, बट हम सबको बाहर छोड़ करके 5 को ही लेते हैं, बट यहाँ पे आपको मास में लोगों को लाना है और उस मास को एक टीम में कन्वर्ट करना है। जो भीड़ होती है ना, भीड़ वो टीम नहीं कहलाता है, वो भीड़ ही भीड़, भीड़ जो है वो भीड़ ही होता है। वहां से आपको फिर इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी बातें सुनना शुरू करेंगे, तो वहां से वो टीम बनेगा, और टीम में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया कि वो 1, 2, 3, 4 सारा कुछ आपको करते हुए दिखेंगे। दैट मीन्स दे हैव बिकम अ कोर, और जब कोर बन जाते हैं तो वो कोर लोग ही आगे जाकर के लीडरशिप पोजीशन को थामना शुरू करते हैं। लीडर्स क्या होता है, लीडर वो होता है जो अपने बिजनेस का खुद ओनरशिप लेता है, वो स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस बिजनेस का मालिक समझता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर नहीं है, हियर एवरी वन इज एन ओनर, हर लोग अपने आप में यहाँ पे ओनर है, क्योंकि हर लोगों के पास वो 60-70% बनाने का मौका है, सबके पास वो पावर, तो वो लीडर बनेगा। और फिर वो लीडर जब बनता है तो वो बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट कर लेता है, बिकॉज उसको मालूम है कि उसको लीडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो जब उसको पता है कि क्या क्या करना पड़ा, तो वही चीज वो दूसरों से भी करवाएगा और उसको भी स्ट्रेंथन करेगा और एम्पावर करेगा, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग पीपल, लोगों को काम सिखा देना, मच्छी पकड़ के नहीं खिलाना, मच्छी पकड़ना सिखा देना, वो अपना लाइवलीहुड चला लेगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लीडरशिप डेवलप करना, बिकॉज ये लीडरशिप का ही बिजनेस है। उसके बाद मैंने कोर दिखाया था, कोर के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, आप कोर क्यों बनेंगे। पहला है कि वो बंदा जो है एक्साइटेड होना चाहिए, है ना, 24 आवर्स उसके अंदर में एक्साइटमेंट होना चाहिए, किस चीज को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, कि उसको आने वाले 24 महीने से 3 साल के अंदर क्या मिलने वाला। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहेगा तो ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो आप एक जॉब कर रहे हैं और इसको भी अगर आप उसी स्ट्रेस और प्रेशर में खींचेगा तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। जॉब में जो प्रेशर है वो अलग तरीके का प्रेशर है, बिकॉज वहां पे आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वो आपसे काम करवाएगा, क्योंकि वो आपको लाखों का सैलरी देगा, वहां पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, सर्टेन पॉलिसीज है जो आपको फॉलो करना ही करना, अच्छा लगे या ना लगे करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो पे कर रहे हैं आपको। तो यू हैव टू बी ड्रीम फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड। देन पीएसटी और एमएस जो मैंने लिखा है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पीएसटी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप पॉजिटिव बोलिए, जो भी चीज आपको चाहिए आप वही चीज बोलिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में कहते हैं ना कि आप किसी चीज को शिद्दत से मांगते हो तो यूनिवर्स उसको दिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पे जो चीज आप इस बिजनेस में कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, आप उसके लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। आपको अच्छी टीम चाहिए, आप बोलो कि भगवान मेरी टीम में अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपको फास्ट ग्रोइंग टीम चाहिए, आप बोलिए कि मेरी टीम में सभी लोग प्लान दिखा रहे हैं, सभी लोग इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए जो भी करना चाहिए वो कर रहे हैं। गोल ओरिएंटेड लोग चाहिए तो आप बोलिए कि मेरी टीम में वैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो अपने गोल को लेकर के बहुत फोकस्ड है, ड्रीम को लेकर बहुत फोकस्ड है। तो आपको जो चाहिए इस बिजनेस में उसी को बोलिए, जो नहीं चाहिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, एटा हिला नहीं, सटा हिला नहीं, आप बोलिएगा तो वही होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट, आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए,
अभी आपका मिशन स्टेटमेंट क्या बन गया, थैंक यू गॉड बाय अगस्त 2023 आई विल बी अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम विथ अ टेक होम इनकम ऑफ 12 लाख पर ईयर, दैट इज योर मिशन स्टेटमेंट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट खोलिए, मिशन और विजन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो आप, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर डेवलपिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका मिशन स्टेटमेंट रहेगा तभी तो आप लोगों को ढूंढेंगे। तो व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट टुडे, थैंक यू गॉड बाय अगस्त 2023 आई विल बी अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम विथ अ टेक होम इनकम ऑफ 12 लाख पर एनम, हो गया मिशन स्टेटमेंट। आप 12 लाख में पहुंचने के लिए आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करेंगे, आप बिजनेस पार्टनर्स ढूंढना शुरू करेंगे। देन जैसे मैंने बताया कि बुक्स पढ़ना होगा, रीड बुक्स, किताबें पढ़नी होगी, लिसन टू सीरीज, जो डायमंड्स पैक आते हैं वो डायमंड्स को सुनिए आप सारे फंक्शंस को, मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, सो दैट यू विल बिकम अ नॉलेजेबल बिजनेस ओनर, इंफॉर्मेटिव बिजनेस ओनर, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। आप किसी को बेवकूफ एक बार बना सकते हैं, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते, और जो दूसरों को बेवकूफ समझता है वो खुद ही बहुत बड़ा बेवकूफ हो जाता है। तो बाहर की जनता बहुत अकलमंद है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, आप कुछ भी बोलेंगे वो सीधा गूगल प्रोफेसर गूगल को खोल लेंगे बोलो। तो कॉशियस रहिए, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस ओनर बनिए ताकि राइटली लोगों के पास मैसेज पहुंचेगा। पर्सनल वॉल्यूम 100 PV आपको महीने में करने के लिए सीखना पड़ेगा, और ये 5 तारीख के पहले का जो है वो आगे जाकर के होगा, इमिडिएटली नहीं होगा। ये दिस इज नथिंग बट ए कमिटमेंट कि हम अपने कस्टमर्स का इतना बेस बढ़ा लेंगे। हमने भी बनाया, हमारा 3-4 महीना लगा, उसके बाद हम देखते थे कि हमारा कस्टमर का बेस इतना बड़ा बन गया है कि लोग फोन करके डिमांड करते हैं। आज भी मेरे पास एक फोन आया कि शहीद नगर से कि भाई मुझे इमिडिएटली 4,000 रुपये का आपका न्यूट्रलाइट चाहिए, तो मेरे पास तो पास है, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, आप क्या वहाँ तक आ सकते हो, तो आज ही मैं 4,000 रुपये का पकड़ उनको दे करके आया। सोचिए लोग फोन करके मांगते हैं, तो हो गया अपना टर्नओवर, 4,000 का बिजनेस हुआ ना पर्सनल वॉल्यूम। तो अभी आपके साथ भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे तो आपके कस्टमर्स बनेंगे, क्योंकि सब लोग बिजनेस नहीं करने वाला। तो ये 10,000 का वॉल्यूम हमको सीखना है, हो जाएगा 30 कस्टमर्स, उससे ऊपर कस्टमर्स आपको क्रिएट करना है। डोंट वरी, हम इसके लिए भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। एंड बेसिक्स जो है, जो नए लोग हैं वो 333 करें कम से कम, कि हर दिन कुछ अपने नेम लिस्ट पैड में 3 नए लोगों का नाम जोड़े हैं। आज मैंने फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग किया और करीब 8 कपल्स ने मेरे को ओके बोला कि आई एम रेडी टू साइन अप दिस बिजनेस। तो मैंने 8 नए लोगों को जोड़ा, उनका नंबर भी हमने निकलवा लिया, नंबर दिया उन्होंने कि सर करते हैं मिल करके, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी सोशल मीडिया को सोशल जैसा मत यूज कीजिए, नहीं तो जुकरबर्ग जो है वो और अमीर बन जाएगा। सोशल मीडिया को अपने फेवर में यूज कीजिए तो आप अमीर बन जाए, बेटर है कि सोशल मीडिया को बिजनेस पर्पज से यूज किया जाए। देन 3 प्लान दिखाइए एटलीस्ट हर दिन, जब तक हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है, तो हर दिन हम कुछ 3-3 लोगों को टच करने की कोशिश करें, है ना। तो ये 333 नए लोगों के लिए हो गया। और जो फास्ट जाना चाहते हैं तो 5 days इन अ वीक आप काम कीजिए, 5 दिन काम कीजिए पार्ट टाइम में, है ना। अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, आप टाइम दे पा रहे हैं। देन 5 new names ऐड कीजिए, और 5 लोगों को, या तो 3 लोगों को राइटली स्टार्ट करवाइए या 5 लोगों को प्रॉपरली स्टार्ट करवाइए। जैसे आज जो मैं कर रहा हूँ वो एक इंसान को प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स हमने बनाई है, ये हमारा दिन भर का जो मेहनत है, वो 5 लोगों को अगर प्रॉपरली स्टार्ट करा जाए तो वहीं से बिजनेस का जो उड़ान है ना वो स्पीड अप हो जाता है, और लोगों को वो वैल्यू सिस्टम समझ में आने लगता है कि यस सर इज देयर, हम मिल करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। देन ऑलवेज बी इन अ गेम प्लान एंड काउंसलिंग, हमेशा गेम प्लान एंड काउंसलिंग में रहिए, बिकॉज रुकावटें आएंगी। बाहर में अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऊंच नीच कुछ होता है, आपको कौन हेल्प करेगा, मुझे बोलिए ना। आपका एक मोबाइल का दुकान है, आप बहुत हैवी लॉसेस सह रहे हो, और बगल वाला एक मोबाइल दुकान है जो बहुत पैसा कमा रहा है, क्या वो आएगा आपको हेल्प करने के लिए? आ भाई मैं तेरे को बता दूं कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा चल रहा है, तेरा क्या नहीं होने से खराब चल रहा है, वो सिखाएगा क्या आपको? उतना बड़ा बेवकूफी कभी नहीं करेगा, क्योंकि पता चला आप वो ट्रिक सीख गए तो फिर उसका कस्टमर भी इधर आ जाएगा, तो वो कॉम्पिटिशन तो है। तो यहाँ पे हम गेम प्लान एंड काउंसलिंग में आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, तब हम आपको रास्ता दिखा पाएंगे। कहीं भी ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी तकलीफ हो रही है, आपको उस तकलीफ को दूर करने के लिए अपलाइन ही है, क्योंकि वो अपलाइन के लाइफ में वो फेजेस वो उससे गुजर चुका है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज हुआ है। वो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, आपको अपना गोल पकड़ना, अपने कहते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचना आसान हो जाएगा। ऑलवेज बी इन गेम प्लान एंड काउंसलिंग, उसको हम कोर बोलते हैं। देन बी इन मोमेंटम, है ना, हमेशा मोमेंटम में रहिए। कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहिए, फेसबुक के थ्रू स्पॉन्सरिंग हो गया या फिर प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ आप, है ना,
टाइम जब भी मिलता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जब आप मोमेंटम में रहेंगे आपका टीम मोमेंटम रहेगा। कहते हैं कि जब ट्रेन ट्रेन के बॉडी में वो पावर नहीं है, ट्रेन के इंजन में पावर है। आप मुझे बोलिए ट्रेन में ट्रेन का डब्बा भागता है या इंजन भागता है? अगर इंजन को आप 10 के स्पीड में चलाएंगे तो बॉडी 10 के स्पीड में जाएगा। तो आपके बिजनेस का ओनरशिप आपके हाथ में, आप 10 के स्पीड में भागिएगा तो टीम भी 10 में भागेगा। आप 110 का स्पीड पकड़ लीजिए, सारी बॉडी जो है वो 110 के स्पीड में जाएगी। थोड़ी ना ऐसा है कि इंजन भागेगा 110 में और पिछला सबसे लास्ट वाला बॉडी जिसमें टीटी रहता है वो 20 की स्पीड में जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो सारे लोग मोमेंटम में रहेंगे। देन थ्री कार्डिनल्स थ्री पावर्स, बिजनेस में कुछ काम नहीं करना है और कुछ पावर्स हैं जिसको लेकर के हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है। आपने बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखा होगा, उसमें कभी कुछ ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं जिसमें उनको पावर्स लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो उनका जो है पावर घट जाएगा और वो बीच में उनका गाड़ी अटक जाएगा तो वो आगे लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी आपको वो पावर्स लेना होगा। पावर्स क्या है? पावर्स है आपका पावर ऑफ यूनिटी है। बिजनेस जो है वो टीम को लेके कर रहा है, तो यूनाइटेड टीम जो है ना वो हमेशा यूनिटी में काम करेगी और गोल पकड़ना आसान हो जाएगा। कहते हैं जब एक टीम टीम के जैसा काम करता है ना तब जाके बड़ा मंजिल हासिल करना आसान हो जाता है। तो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो चाहिए वही बोलिए, जैसे मैंने बोला था आपको, आपको नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। एंड देन पावर ऑफ सबमिशन, आपने यहाँ पे अपने आप को सबमिट किया है, सरेंडर नहीं किया है। सबमिशन किसके सामने किया है? जिसके पास इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उसके गाइडलाइंस और उसके नॉलेज और उसके विजडम को लेने के लिए सबमिट किया है, क्योंकि वो मुझे हेल्प कर सकता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और थ्री कार्डिनल्स क्या है? कि वो काम नहीं करना है, कोई भी नया काम बिना अपलायंस से पूछे नहीं करना है। अभी मान लीजिए किसी ने बुलाया चलो जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए दुकान में रख के सामान भेज देता है, तो दुकान में बेचना अलाउड नहीं है। एमवे के मिस्ट्री शॉपिंग्स होती हैं, उनके ऑफिशियल्स रेड मारते हैं, कभी गलती से पकड़ा गया और बार कोडिंग से पकड़ में आ गया कि किसने दुकान में रख के सेलिंग कराया, तो आप खतरे में आ जाएंगे, बिजनेस आपका टर्मिनेट हो सकता है। तो वो चीज़ नहीं करना है। तो कोई भी नया काम करने से पहले पूछ लें। इस बिजनेस में फैमिली के साथ लोग बिजनेस करते हैं, तो नेवर एवर मेस विथ, किसी के पैसे से मेस नहीं करना है, ईगो से मेस नहीं करना है और स्पाउस से मेस नहीं करना है, बिकॉज लेडीज आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड हियर बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस। देन कोई भी अपलाइन क्रॉस लाइन डाउन लाइन किसी को नेगेटिव पास नहीं करना। अभी आपको मान लीजिए आपकी टीम है और आपको कोई चीज़ ऐसा नेगेटिव समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव आप अपने डाउनलाइन से अगर डिस्कस कर लेंगे तो कहते हैं कि जंगल की आग जैसा फैलता है। अभी जूम को देखिए ना, जूम का एक छोटा सा नेगेटिव आ गया तो जंगल की आग जैसा बात फैल गया। और पॉजिटिव था तो लोगों को पता ही नहीं था कि जूम भी कुछ होता है, वो तो कोरोना की वजह से लोगों को पता चल गया। तो नेगेटिव से बच के रहें, नेगेटिव कोई दिक्कत होता है तो हमेशा अपलाइन से पूछें, नहीं तो पता चला कि जिस डाली पे बैठे हैं वही डाली को आपने काट दिया, नीचे वालों को आप ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी डाउट होता है हमसे पूछिए, तो वो नहीं करना है। देन एडिफिकेशन एंड प्रमोशन, एक दूसरों को एडिफाई करने का कल्चर होना चाहिए। अभी यहाँ पे मिस्टर संजीव हैं, तो मैं संजीव को एडिफाई करूँगा कि ये बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट लाइफ से आए हैं और पार्ट टाइम में अपने टीम के साथ मिलकर के एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाने के प्रोसेस में है। एंड ही इज वेरी टीचेबल एंड वेरी सबमिसिव, जो भी उनको बोलो वो करते हैं और जो चीजें करनी चाहिए इस बिजनेस में उसके लिए भी वो रेडी होता है। तो वही सेम चीज संजीव के लिए भी होता है कि भाई मैं मिस्टर हुसैन साहब को मिलवाना चाहता हूँ। वही हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे बैंक में थे और बहुत अच्छे नौकरी में अपना कर रहे थे और पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है, तो मैं अपने अपलायंस से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। या इसी तरह से एक दूसरे का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं आप उसके बारे में अच्छा बोलिए, तो सामने वाले का जो कहने सुनने का जो कैपेसिटी है ना वो लिंक हो जाएगा। वो आपके बारे में जब अच्छा सुन लेगा तो उसको लगेगा कि इस बंदे में कुछ है तो आपको सुनेगा, नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं आपको। देन बिजनेस रिलेशन, बिल्ड रिलेशनशिप, बी रिलेशन है बिल्ड रिलेशन। आप सभी लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाइए, चाहे डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, अपलाइन हो, है ना। अपने डाउनलाइन के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने स्टाफ एम्बे के ऑफिशियल्स और स्टाफ लोगों के साथ अच्छे रिलेशन में रहिए। देन कोर कौन होता है? जो कमिटेड होता है। बिजनेस लीडर्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आपको क्या लगता है कि अंबानी जो है वो 10 बजे सोकर उठता होगा? नहीं, वो सुबह 4:30-5 बजे सोकर उठ जाता है, बिकॉज जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग से ही अपना सक्सेस का पैरामीटर शुरू कर देता है। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका फाइल इधर उधर फेंका नहीं रहता, उनका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एंड दे हैव अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, फालतू वालतू की चीज़ नहीं बोलता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है और लाखों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपका भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है जहाँ पे आगे जाकर के लाखों लोग काम करेंगे, लेकिन उसमें एक आदमी को भी आपको सैलरी देना है। दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस।
एक्साइटेड रहिए, ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि कोई भी चीज को एक्साइटमेंट के साथ कीजिएगा ना, तब जा करके आपका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। ये बिजनेस जो है वो एक्साइटमेंट का ही है। देन स्पीड ऑफ द लीडर इज स्पीड ऑफ द टीम। जो लीडर का स्पीड है वही टीम का स्पीड रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्ड बिजनेस विद सक्सेस प्रिंसिपल। सक्सेस प्रिंसिपल नेवर चेंजेस, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, सडन प्रिंसिपल्स है उसको आपको फॉलो करना। आप जिस कंपनी में भी हैं उसके पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके कुछ सक्सेस मंत्र हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सक्सेस प्रिंसिपल। आप कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढिए, क्योंकि शॉर्टकट के लाइफ शॉर्ट ही होती है। तो इस बिजनेस में सक्सेस प्रिंसिपल जो मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में दिखाया, वो बुक पढ़ना, वो सीडी सुनना, वो फंक्शंस मीटिंग्स में आना, दैट इज अ सक्सेस प्रिंसिपल। 1, 2, 3, 4, कीप योर बिजनेस प्रिंसिपल सेंटर्ड। कभी भी प्रिंसिपल से खिलवाड़ नहीं कीजिए। कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल से खिलवाड़ करेंगे, आप जल्दी जल्दी रिच बनने के लिए कोशिश करेंगे, तो आज बहुत सारे ऐसे चिटफंड वाले लोग हैं जो बहुत जल्दी 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 अमीर बनने की कोशिश में थे, तो उन्होंने सक्सेस प्रिंसिपल को छेड़ दिया। और अगर सक्सेस प्रिंसिपल को छेड़ दिया तो उनका मर्सिडीज भी आज अंदर चला गया, घर भी जब्त हो गया, और खुद भी जेल में बैठ करके चक्की पीस रहा। कब तक जेल में रहेंगे मालूम नहीं। तो नेवर एवर टच योर सक्सेस प्रिंसिपल, क्योंकि अगर प्रिंसिपल से आपने खिलवाड़ कर दिया, उसके बाद का जो रिपरकशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पुलिस आएगी, सीबीआई वाले आएंगे, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो नेवर एवर टच द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हमेशा प्रिंसिपल ही रहने दीजिए, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए प्रिंसिपल सेंटर्ड बिजनेस बनाइए, तो वो बिजनेस ऐसा रहेगा कि आपके 14-15 जनरेशन तक हो जाएगा बिजनेस। सक्सेस मंत्र, टेक ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने काम का। वॉट एवर योर माइंड विल कंसीव एंड परसीव विल बी अचीव। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप सीड डालेंगे दिमाग में, वही आप अचीव करेंगे। आप अच्छा बीज बोएंगे अच्छा निकलेगा, खराब बीज बोएंगे तो फसल भी खराब हो जाएगी। तो जैसा आप बीज बोएंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अपना फ्यूचर बनाएंगे, फ्यूचर आपके हाथ में है। Nobody is responsible for your future. आपको किसी को ब्लेम करने का हक नहीं है। Whatever things are happening in your life, जो भी घटनाएं आपके लाइफ में घट रही है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान, आपने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, सिचुएशन खराब होने की वजह से मेरी नौकरी चली गई, सिचुएशन खराब होने से मेरा बिजनेस डाउन हो गया। सॉरी, आपके पास भगवान ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भेजे थे, जो कहीं ना कहीं आपने इग्नोरेंस में उसको लात मार दिया। अभी भी ये एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी आप सोचेंगे ये छोटा मोटा बिजनेस है, कौन करेगा, अरे वही एमवे, वही चेन, वही नेटवर्क, फॉरगेट इट। बस आपके जीवन में भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी भेजा, आप ले लो तो बहुत कुछ, नहीं लोगे तो फिर आपका नुकसान। हमें क्या, हम तो लोगों को ढूंढने के लिए आए हैं, अच्छे लोग मिलेंगे हम उनके साथ काम करेंगे। जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे वेलकम, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भीड़ कम। सिंपल सी बात है। पेइंग प्राइस इज द सक्सेस। प्राइस पे करना पड़ेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, टेलीकॉम में अभी आपका बहुत प्रेशर है, बैंकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है ना। एवरी प्रेशर यू आर टेकिंग फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, बिकॉज प्रेशर सिचुएशन में आप काम नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी। तो वहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 घंटे का प्रेशर ले लीजिए, तो शायद आज आगे जा करके आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस विल गिव यू सो मच कि आपके पास एक चॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो पेइंग द प्राइस फॉर सक्सेस। सक्सेस आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी। आप सक्सेसफुल लोगों को मेजोरिटी में देखेंगे क्या? 95% जनता तो स्ट्रगल कर रही है, 5% जनता एंजॉय कर रही है, ऐसे सिचुएशन में भी एंजॉय कर रही है। तो सक्सेस हमेशा प्राइस मांगता है, तो वो प्राइस टैग को तो पूरा करना पड़ेगा। एंड यू आर प्राइंग प्राइस, आप प्राइस पे कर रहे हो। मेरा अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दिया था कि क्या सामने वाला बंदा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए रेडी है, नहीं तो वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी, आपका समय कोई चुरा कर भाग जाएगा। तो बी वेरी वेरी कॉशियस। अपने दिमाग, दिल, आंख, माइंड सब ओपन रखिए एंड फाइंड राइट पीपल फॉर दिस बिजनेस, जो आपके साथ मिलकर के काम करने के लिए रेडी हैं। ये तो धोखा हो जाएगा, आप गलत लोगों के साथ काम करेंगे। आप बोलेंगे भाई ये मेरा प्लैटिनम, सामने वाला तो बोलता ही है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, आप ही बोल रहे हैं, उसको चढ़ाया जा रहा है, ये मेरा प्लैटिनम, ये मेरा सिल्वर, ये मेरा गोल्ड। अरे भाई वो तो जाने ही नहीं चाहता, उसको बोल के आपको मिलेगा क्या? जब सामने वाला भी बोलता है यस सर, मैं आपके टीम में एक प्लैटिनम जाऊंगा, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल बी अ प्लैटिनम इन योर टीम एंड यू कैन बैंक ऑन मी, हो गया आधार जर्नी आपका कंप्लीट हो गया। एक बंदा आपको बोल दिया कि यस सर आई एम अ प्लैटिनम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कम व्हाट मे, आई एम रेडी टू पे द प्राइस और मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, तो आपको एक प्लैटिनम मिल गया। दो लोग ऐसे और बोलने वाले मिल गए और 3 प्लैटिनम आपके ग्रुप में हो गया, आप एमरल्ड चले जाएंगे, 40 लाख से ऊपर इनकम आएगा, है ना।
ड्रीम इन टू फेथ इज इक्वल टू ड्रीम. अपना ड्रीम पे फेथ रखिए, फेथ तभी आएगा जब एसोसिएशन में रहेंगे. ऑलवेज बी मोटिवेटेड, है ना. एक्शन, डेली एक्टिविटी को एक्शन बोलता है, दैट विल गिव यू रिजल्ट. आप ड्रीम भी है, बहुत ही एक्साइटेड है अपने ड्रीम के लिए, पूरा बहुत जबरदस्त फेथ भी है, पूरा फुल विश्वास है कि मैं तो सर इसको कर पाऊंगा, उसके लिए फुल्ली मोटिवेटेड भी है एकदम, सर आई एम रेडी. बट एक्शन पार्ट इज जीरो. सर मुंह तो कहीं पर भी नहीं, लोगों से मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा. सर मुंह तो सीडी सुनी पारी भी नहीं. सर बुक तो पढ़ी पारी भी नहीं. अरे यार कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद बोलते हो कि डायमंड जाऊंगा तो कैसे होगा. हाँ तो एक्शन तीनों बढ़िया रखा है, एक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है. तो मोटिवेशन के साथ एक्शन पार्ट को भी स्ट्रांग रखिए, है ना. और टीम तो है आपको हेल्प करने के लिए. अभी तो हमने सारे नए लोगों को बोल दिया, आपको खुले मैदान में हमने नहीं छोड़ा है. बी वेरी वेरी कॉशियस, नए लोगों को अप्रोच ना करें. जो अपलाइंस हैं उनके लिए लाइफ लाइन है, उनको हेल्प करेंगे हम लोग वहाँ पर. तो प्लीज प्लीज वेरी वेरी कॉशियस, आप इमिडिएटली बिना सीखे लोगों को अप्रोच ना करें, तो आपके लिए जर्नी स्मूथ हो जाएगा. देन दैट विल गिव यू अ सक्सेसफुल रिजल्ट. And this business is not time bound. ये time bound business नहीं है. मैंने 3 साल बोला है, but आप 24 महीने में भी जा सकते हैं. किसने रोका है? You will stop yourself, nobody else. Upline भी आपको stop नहीं कर सकता, भगवान भी आपको stop नहीं कर सकता है. You will stop yourself, nobody else. तो आप अपने speed पे देखिए, आप 2 साल में भी जा सकते हैं. हमने तो एक tentative time frame बताया कि 3 साल is a good enough time कि आप उस level पे पहुंच सकते हैं. जनवरी तक में 1200 पीवी किया था, हमने फरवरी में छोटा सा जंप लिया, 1,40,000 का बिजनेस हुआ, फिर मार्च में 1,60,000 का हुआ. वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल स्मॉल जंप्स. अप्रैल 21 में 1800 का हुआ, आप देखिए जून 21 में आप 12% पे चले गए. 12% पे ऑलमोस्ट आपका जो इनकम है 20,000 से ऊपर आना शुरू हो जाता है. फिर वहीं से हमने जर्नी शुरू किया और जनवरी जून 21 से लेकर के अक्टूबर 21 तक हम 4,000 पीवी पे पहुंच गए. दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज पिन. एंड ब्रॉन्ज पिन जो ब्रॉन्ज लेवल होता है उसको अचीव करने का आपका एक तो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन आपका खुल जाएगा. दीज आर दी 5 ऑर्गेनाइजेशन, 5 टीम्स ऑफ योर्स. और मिनिमम क्राइटेरिया है कि उसमें 3 टीम जो है वो 60,000 के टर्नओवर से ऊपर होना चाहिए. अगर 60,000 के टर्नओवर से ऊपर है तीनों लेग आपका, तो यू विल बी अवार्डेड एज अ ब्रॉन्ज पिन. बट आप मुझे बताइए, मैंने ब्रॉन्ज पिन के ऊपर 4,000 पॉइंट्स लिखे हैं, 1 पॉइंट का वैल्यू 100 रुपए होता है, तो 4,000 पॉइंट का मतलब कितना हो गया? 4 लाख का टर्नओवर. तो 4 लाख का टर्नओवर मैंने बोला है, बट नीचे तो दिखा रहा हूँ 3 लेग में 6, 6, 6, तो 6 × 3 = 18, मतलब 1,80,000 ही हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 3 लेग उतना होना चाहिए, नहीं तो उसमें पहला लेग आपका होना चाहिए 2400 पे, दूसरा होगा 1200 पे, तीसरा होगा 600 पे. तो 2400 और 1200 3600 और 600 4200 और आपका अपना 100 पे, और बाकी जो 4-5 पे जो टीम है वो जो नए नए लोग कुछ ज्वाइन किए हैं वो 50-100 पे रहेंगे. उनको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, लेट देम लर्न. इस बिजनेस को प्रेशर में नहीं करना है, सीखते सीखते करना है. इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा घर में स्टॉक उठा के भी नहीं रखना है. 20-30-50,000 का स्टॉक रखने के लिए किसी आपको नहीं बोला. आप छोटा मोटा एक पेस्ट रखते हैं तो 2 पेस्ट रख लीजिए. कल को पड़ोसी डिमांड कर लिया और बोलेंगे 4 दिन के बाद दूंगा, तो भाई वो तो जाके कोल भी खरीद लेगा. तो अगर आपने एक पेस्ट है तो 2 पेस्ट रख लीजिए, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना. तो ब्रॉन्ज पिन मिलेगा. ब्रॉन्ज पिन पे इनकम अप्रोक्सीमेटली 42,000 मंथली आता है विद 35% का एक्स्ट्रा क्रेडिट, इसके बाद मैं दिखाऊंगा. तो 42,000 आपको मिल गया कब? आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास पहुंच गया. तो 4,80,000 का पैकेज कितना हो गया? 12×48 = 24, 12×48 = 48, 5 लाख के पैकेज पे पहुंच गया आप अप्रोक्सीमेटली अपने जॉब के साथ साथ. इट्स अ गुड थिंग, अच्छा पैकेज है आज के हिसाब से. जो मैंने चेंजेस लाए हैं आपको, वो एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके पैकेज इतना पहुंच जाएगा आपको. व्हाट यू विल गेट इन अ ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन, क्या मिलेगा आप यहाँ पे देखिए. डिजिटल बैज मिलेगा, इंस्टाग्राम में जबरदस्त टाइप से आपका रिकॉग्निशन किया जाएगा. आपको पेटीएम फर्स्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो पेटीएम फर्स्ट का उसके एलिजिबिलिटी मिल जाएगी. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको दिया जाएगा. ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट मिलेगा विच इज ग्लोबल सर्टिफिकेट फ्रॉम एमवे ग्लोबल हेडक्वार्टर यूएसए मिचिगन. ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. 35% का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा ओवर एंड अबव 15% का इंसेंटिव से ऊपर 35% एक्स्ट्रा मिलेगा. तो पाका पाकी देखा जाए तो 50% मिल रहा है. बिजनेस कनेक्शन
सारे तरह के आपको इन्फॉर्मेशन जूम के थ्रू अभी रेगुलर वो बेसिस हो जाएगा, तो जूम के थ्रू सारा कुछ आपको मिलेगा और नए नए ट्रेनिंग्स भी आपको दिए जाएंगे जूम के थ्रू. दिस इज द फोकस बिजनेस कैप्सूल कमिंग सून. और क्या मिलेगा एज अ ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन? ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपने ब्रॉन्ज अचीव किया तो यू विल बिकम ब्रॉन्ज क्या टेक्स इनिशिएटिव प्रोग्रेसेस फास्ट. अगर एक महीना आपने मेंटेन किया है तो आपको फ्लायर बोला जाएगा. अगर आपने दो महीना मेंटेन किया तो आपको परफॉर्मर बोला जाएगा. तीन महीना अगर मेंटेन किया तो ग्रीन बैज मिलेगा, गो गेटर बोला जाएगा. फोर्थ मंथ में यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड फाइव मंथ में यू विल बी कॉल्ड एज़ अ स्टार. टू डिस्प्लेस लीडरशिप क्रिएट्स फ्यूचर बीबीआई. आपके नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बीबीआई मार्च क्वालिफायर्स भी रेडी. आपका इंस्टाग्राम पे सेलिब्रेशन होगा और स्पेशल फोटो फैमिली शूट किया जाएगा जहाँ पे आपको हर जगह पे वो डिस्प्ले करेंगे. एंड आपके नाम पे जो है वो मैगजीन्स निकलेगी, आपको मैगजीन्स में भी फीचर किया जाएगा जहाँ पे आपके नियर एंड डियर वंस वो मैगजीन में आपको देख सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो इस बिजनेस में बनने वाले हो और बनते जा रहे हो. तो ये है ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन का सारा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स. अब फेज थ्री में आते हैं. फेज थ्री में क्या है, वहां पे 4000 हुआ, फिर 4500 हुआ, टीम बढ़ी, 5000 का बिजनेस हुआ, 6 लाख का टर्नओवर हुआ, 8 लाख का टर्नओवर हुआ. मार्च 22 में आप 10 लाख के टर्नओवर पे पहुंचते हो. अगर वही 10 लाख के टर्नओवर को आपने 6 महीना मेंटेन कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे आपके टीम में नहीं पर भी तो 150, 200, 300 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा इतने लोग कहाँ से आ गए. तो आपकी टीम साइज बढ़ जाती है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लीडरशिप आपको मिल जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं. एटलीस्ट वहाँ पे आपके पास 40-50 ऐसे लोग होते हैं जो सिंसेरिटी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं. थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. तो 6 महीने में प्लैटिनम जाएंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या मिलेगा, 15%, 20%, 40%, 75% एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा. और यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो 11 लाख से ऊपर आपके पास आएगा. और ऑलमोस्ट आपके पास 7 टीम्स होना चाहिए. जब आप प्लैटिनम जा रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव 7 टीम्स, बिकॉज 6 टीम से आप डायमंड जाएंगे. डायमंड का इनकम होता है 1.2 करोड़ का. और अगर 7th टीम भी आपने बना करके रखा है और उसको धीरे धीरे नर्चर कर रहे हैं, तो जब 6 प्लैटिनम आपको 1.2 करोड़ का इनकम दे रहा है, तो जब 7वां प्लैटिनम आपका बनेगा, जो कहते हैं कि पहले से बीज बो दीजिए तो वो आगे जाके प्लांट तो बनेगा ही, तो जैसे ही 7वां प्लैटिनम बनता है, 6 प्लैटिनम में 1.2 करोड़ का इनकम, 7 प्लैटिनम में इनकम 1.2 × 2 सीधा शूट कर जाएगा वो 2.4 to 2.5 crores का इनकम. दैट इज द कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दिस बिजनेस. तो साथ बनाना बहुत जरूरी है, तो पहले से वो सीड डाल दीजिए. टोटल इनकम ये हो जाएगा. अब वो इनकम आता कैसे है, पहले ये स्लैब देखिए. जो 3% का स्लैब है ये सब विदाउट टैक्स है. टैक्स अगर हम जोड़ देते हैं जीएसटी तो राउंड फिगर में 100 points पकड़ लीजिए, नहीं तो 80 points पे इंसेंटिव मिलता है. तो 80 points के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया है. 200 points मल्टीप्लाई बाय 80 तो 16,000 points हो गए. तो फर्स्ट लेवल है 3%, फिर 6 जाएंगे, फिर 9 जाएंगे, 12 जाएंगे. इस तरह से 21% का जर्नी आपका कंप्लीट होता है. अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ व्हाट यू विल गेट आफ्टर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन. डिजिटल सपोर्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कनेक्ट विथ अस. इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रीच है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो सारा फैसिलिटीज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. और यहाँ पे मैंने आपको लीडर इंसेंटिव दिखाया है. यहाँ पे आप देखिए लीडर इंसेंटिव में मैक्सिमम जो मल्टीप्लायर मैंने दिखाया है, आप FGI फ्रंट ग्रोथ मत देखिए, आप ऊपर का देखिए पर्सनल ग्रुप ग्रोथ, क्योंकि अभी आप पर्सनल ग्रुप ग्रोथ में. तो पर्सनल ग्रुप ग्रोथ में आपको प्लैटिनम जाने पे 40% का मल्टीप्लायर लग रहा है. तो एक तो ये 40% का एक्स्ट्रा पेमेंट आपको एज अ बोनस मिलेगा. प्लस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2x कैश इंसेंटिव है. जब आप प्लैटिनम क्वालिफाई करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 1 लाख का बोनस मिलेगा, फिर अगले साल भी आपको 1 लाख का बोनस मिलेगा जब आप 6 महीना मेंटेन करते हो. और अगर आप 12 महीना मेंटेन करते हो, 6 महीना + 6 महीना और, तो आपको 1 लाख का भी बोनस मिलेगा और 1,60,000 का भी मिलेगा, प्लस 40% वो भी मिलेगा. तो पहले तो हम प्लैटिनम तक का ही रख रहे हैं कि आपको 1-1 लाख का बोनस हर साल मिलेगा, इस साल में भी और अगले साल में भी. मतलब थर्ड ईयर में गया तो उस दिन कुछ साल भी मिलेगा और फोर्थ ईयर में भी मिलेगा. अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन. ये है मेरा 21% का कैलकुलेशन जिसको सिल्वर बोलते हैं, जहाँ पे मैंने 6 वर्किंग लेग्स दिखाए हैं और बाकी साइड में जो मैंने पतली पतली लाइनें खींची हैं, डंडी जैसी जो लाइनें हैं, वो आपके 8-10 कस्टमर्स हैं जो कस्टमर वॉल्यूम आपका क्रिएट हो रहा है. तो ये कैलकुलेशन आपको ये समझाएंगे हम कैसे होता है. बस आप इतना ही देखिए कि टोटल इनकम जो है आपका 35% का एक्स्ट्रा क्रेडिट लेकर, 15% और 20% मैंने जो नीचे लिखा है उसको लेकर के आपका जो टेक होम और कैशबैक जो ऊपर मैं दिखाया है, मैंने रेड पेन से कैशबैक लिखा है,
वो इनकम और ये 35% का एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके टोटल आपका मंथली इनकम बन रहा है 1,13,532 रुपए। 1,13,532 आपका बन रहा है कैशबैक लेकर के, और आपका ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव 15% और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव 20%, मतलब 35% एक्स्ट्रा लेकर के 1,13,000 बन रहा है। लेकिन आपका बेस इनकम कितना है, अब ध्यान से देखिए, बेस इनकम आपका दिखा रहा है 82,320। तो ये बेस इनकम पे आपको बोनस मिलेगा 82,320 पे। अब देखते हैं कि इस लेवल से प्लैटिनम जाने पे इनकम क्या आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, पहले वाले स्लाइड में बेस इनकम मैंने कितना दिखाया सारा आप ऐड करके नीचे दिख रहा है 82,320 दिखा रहा है। ये कैलकुलेशन हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी सारा समझाने में कंफ्यूजन हो जाएगा, वो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। बस ये कैलकुलेशन ध्यान रखिए कि बेस इनकम आपका 82,320 दिखा रहा है। अब आपने प्लैटिनम जाने के लिए आपको 10,00,000 का टर्नओवर 6 महीना मेंटेन करना है, तो बेस इनकम आपका 82,320 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए फॉर सिल्वर मंथ। तो 6 महीने आपने मेंटेन किया तो टोटल बेस इनकम कितना हो गया 4,93,920 रुपीज। इस पे आपको पीक्यू मिलेगा, पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, उस पे 40% एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलेगा। तो 40% कितना हो गया 4,93,000 का 1,97,568। और 2 टाइम कैश अवार्ड में पहले साल आपको कितना मिलेगा 1,00,000। तो धनतेरस, इस साल का जो धनतेरस है या जो थर्ड ईयर में आप क्वालिफाई करेंगे, तो इस साल प्लैटिनम जा रहे हैं वो अपना देख ले धनतेरस कब है। जो अगले 2 साल में 3 साल में जो प्लैटिनम जा रहे हैं आप 2023 में देखिए धनतेरस कब है, उस धनतेरस के टाइम पे आपको ये बोनस मिलेगा 2,97,568। देन आप 6 मंथ्स का इनकम देखिए, बाकी जो मैंने दिखाया था BFI, BPI और PQ मिलाकर के, वो यहाँ पे आप देखिए पिछले मैंने क्या दिखाया, पहले यहाँ पे 1,13,532 दिखाया। तो 1,13,532 आपका वो सब मिलाकर के आ रहा है, बोनस तो आपको बेस पे मिला लेकिन ये इनकम भी तो आ रहा है ना आपके पास, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए। तो टोटल इनकम कितना हो रहा है 6,81,192। टोटल बोनस कितना हुआ उसी साल में 2,97,000। टोटल टेक होम कितना हो गया 9,78,384। प्लस आपने ब्रॉन्ज पिन भी उसी साल अचीव किया है, तो 5 महीना आपने अप्रोक्सीमेटली 48,000 का इनकम आया है, और वहां से जो बाकी 6 महीना बच गया आपने उसमें प्लैटिनम अचीव किया, तो वो 5 महीने का टोटल मिनिमम 48,000 एवरेज इनकम के हिसाब से 2,40,000 बन गया। तो प्लैटिनम जाते जाते तक उस साल का जो टोटल इनकम है आपका, इनकम इन योर थर्ड ईयर इज 12,18,384 रुपए। दिस इज टोटल इनकम वंस यू बिकम अ प्लैटिनम इन दैट फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो अगले साल यही इनकम बढ़ के तो 20,00,000 हो जाएगा। तो वो फाउंडर प्लैटिनम जहाँ पे 1,60,000 का एक्स्ट्रा बोनस भी जुड़ जाएगा और 1,00,000 रुपया और भी अलग से बोनस मिलेगा, और वो अलग से जो अगले साल 2024 में जो 40% एक्स्ट्रा मिलेगा वो तो कैलकुलेशन ही अलग है। ऑलमोस्ट वहाँ पे फाउंडर प्लैटिनम का जो इनकम है वो 20,00,000 हो जाता है। तो लेट्स कीप इट हियर कि हम 3 साल में 12,18,000 के पैकेज में जा सकते हैं। मिलेगा क्या, वॉट यू विल गेट आफ्टर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन, जो बिलो 30 है, जिस इज यंग एंड एक्टिव यूथ 30 ट्रिप, तो उनको पटाया लेके वो लोग लेकर जाएंगे यंग एंड एक्टिव फॉर ए स्पेक्टेकुलर ट्रिप टू पटाया। फर्स्ट टाइम एवर यूथ 30 फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अवर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। यंग एंड एक्टिव ट्रिप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये तो ट्रिप मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको बैंकॉक ट्रिप भी मिलेगा विच इज कॉल्ड न्यू प्लैटिनम फोरम। ये कभी सिंगापुर होता है कभी बैंकॉक होता है, तो 2023 में जब अनाउंसमेंट होगा तो उस वक्त जो कंट्री रहेगा उस कंट्री में आप जाएंगे। तो दिस इज एन अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर प्लैटिनमशिप क्वालिफिकेशन। क्या क्या चीज मिला आपको यहाँ पे, आपको 40% का बोनस मिला, 1,00,000 का अलग से बोनस मिला, प्लस आपको सारा 15% 20% का जो BFI BPI था वो भी मिला, तो टोटल 75% एक्स्ट्रा मिला। प्लस यहाँ पे आपको 1 टाइम कैश अवार्ड भी 1,00,000 का मिला, प्लस एक उसको आगे मेंटेन करते हैं तो खैर बोनस तो बहुत बढ़ता जाएगा, एंड यू विल बी कॉल्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फिर आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में बुलाएंगे, जहाँ पे एम्बे का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, वहाँ पे जाकर के आपको फेलिसिटेट करेंगे। तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं, बहुत सारे अलग से चीजें जो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं वो इस बिजनेस के थ्रू आपको मिल सकता है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप 3 साल में उस लेवल पे जा सकते हैं, और इस बिजनेस को जब 3 साल में आप अगर 12,00,000 रुपए कमा रहे हैं तो नेवर एवर कंपेयर विथ जॉब एंड नेवर एवर कंपेयर विथ योर ट्रेडिशनल बिजनेस, बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं अभी फिलहाल वो लीनियर इनकम है। आप काम कर रहे हैं इसलिए पैसा आ रहा है, चाहे आप
5 लाख कमाए, 6 लाख कमाए, 7 लाख कमाए, बट दैट मनी इज कमिंग बिकॉज यू आर प्रेजेंट। बट यहाँ पे जो आप 12 लाख के इनकम पे पहुंच रहे हैं, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, 12 लाख पे पहुंच रहे हैं लेकिन वो इनकम आपका पैसिव होता जा रहा है, क्योंकि आप प्लैटिनम जब जा रहे हैं तो नीचे नीचे लोग भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लोग भी अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो वो इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कल को अगर आप बीमार पड़ जाते हैं प्लैटिनम लेवल पे जाकर के, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ जाता है, तो वो सिर्फ आपको आता है, आपके पूरी टीम को बुखार नहीं आ जाता है। जब नीचे लीडरशिप डेवलप हो जाती है तो वो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम, बट चूंकि आपने उनको हेल्प किया है तो कंपनी का जो मॉडल है इस बिजनेस को फंक्शनिंग करने का, कि आपने जब उनको हेल्प किया है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपनी आपसे शेयर करेगी, आपका डाउनलाइन आपको प्रॉफिट नहीं देगा, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो कंपनी आपको देगी। डाउनलाइन का पैसा डाउनलाइन का है, डाउनलाइन 1 रुपया आपका डाउनलाइन से 1 रुपया भी कंपनी आपको नहीं देगी, डाउनलाइन का पैसा डाउनलाइन का ही है, वो उनका पैसा उनके अकाउंट में उनके पास ही रहेगा, कंपनी आपको अलग से अपनी तरफ से पे करती है। दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स। तो कम एंड ज्वाइन अस, और जो भी नए लोग आ गए हैं वो हमेशा इस तरह से जुड़े रहे और हमसे मिलकर के सीखते रहें, बिकॉज लर्निंग इज नेवर एंडिंग। और एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ 60-year-old मॉडल और हर बार नई नई चीजें इसमें ऐड होती जा रही हैं टू सपोर्ट पीपल इन दिस बिजनेस, कि कैसे आपका स्ट्रांग बिजनेस बने और कैसे आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे। तो ये सारी चीजें मेरे तरफ से थी, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गिविंग द पावर, मैंने म्यूट हटाने का पावर दे दिया है, तो अभी किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, तो मैं उनके सामने बिजनेस का प्लान भी प्रेजेंट करूंगा, बट आई थिंक अभी प्रेजेंट करने में वो लेट हो जाएगा। बट इतना कह सकता हूँ कि जो भी नए लोग आज जुड़े हुए हैं वो इतना लेकर के जाइए कि ये बिजनेस जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मॉडल का बिजनेस है। आप जैसे फ्लिपकार्ट को देखते हैं या शॉपिंग मॉल को देखते हैं, उसके ओनर्स कौन कौन हैं? उसके ओनर्स हैं अंबानी, टाटा, बिरला, वैसे लोग ओनर हैं। और नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, कि आप एक जगह से सामान दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए आपका कैरियर फॉरवर्ड एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो वो 40 रुपये का सामान आप तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जाता है, तो ये 60-70% बीच में जाता है। तो वही 60-70% के ओनरशिप कंपनी आपको दे रही है, जो डिफरेंट फेजेज में आपको देगी, और पैसा तो बहुत है, वो डिफरेंट फेजेज में आपको मिलेगा। आप हमसे फिर से कनेक्ट होइए, बिकॉज टुमारो आई एम कीपिंग द प्लान शो, मैं कल प्लान रख रहा हूँ जहाँ पे काफी सारे नए लोग जुड़ेंगे। तो अभी तो आपने पैसा देखा कि आने वाले 2 से 3 सालों में कितना पैसा आप इस बिजनेस में बना सकते हैं। एंड फॉर लेडीज आई टेल यू, कि जितनी भी लेडीज आज हमारे साथ जुड़े हुई हैं, आप सोचिए कि लेडीज लोगों की जो लाइफ है वो घर के 4 दीवारियों में बंद होकर के रह जाती है। अभी तो जूम टेक्नोलॉजी हो गया है, अभी तो बिजनेस पूरा डिजिटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हो रहा है, तो अगर घर की लेडीज भी बढ़ चढ़ करके अगर इस बिजनेस में हिस्सा लेती हैं और घर में ही बैठ करके डिजिटली थ्रू अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान के लोग, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अगर घर बैठे चाहे तो कितना बड़ा बिजनेस आप बना सकती हैं, और कितना बड़ा सपोर्ट आप अपने हस्बैंड के लिए बन सकती हैं, तो आप सोच करके देखिए, आपको अच्छा फील होगा। तो जितने भी नए लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो नई लेडीज यहाँ जुड़ी हैं, टेक अ चैलेंज कि मेरे को लोग हस्बैंड के नाम से ना जाने, मेरे को लोग मेरे नाम से जाने। दिस बिजनेस गिव्स एन आइडेंटिटी टू द लेडीज, कि वहां पे ऐसा बिजनेस वो बन जाता है कि लोग ये नहीं बोलेंगे कि देखो मिश्रा जी की वाइफ आ गई, वो यही बोलेंगे कि देखो रोशनी आई है या रश्मिता आई है, उनके नाम से वो बुलाएंगे, शी इज समथिंग इन दिस बिजनेस। तो आप अपना नाम, अपना पहचान आप छोड़ोगे इस बिजनेस में। तो कम एंड ज्वाइन अस एंड बी अ सपोर्ट टू योर हस्बैंड, एंड हस्बैंड कैन बी अ सपोर्ट टू हर वाइफ, क्या है ना, दोनों मिलकर के एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम बना सकते हैं। और ये इनकम ऐसा बनेगा, जो भी यहाँ पे मदर्स हैं मैं उनके लिए मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि ये बिजनेस का इनकम ऐसा बनेगा मैम कि आने वाले आपके जनरेशन को इनकम के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए आप एक एसेट छोड़ोगे, एक वेल्थ बना करके आप जाओ। आप अपना लाइफ तो एंजॉय करोगे ही करोगे, यू विल एंजॉय द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। एमवे जो है वो ऐसे ऐसे लोकेशंस पे घुमाने के लिए लेके जाती है कि आप सोच नहीं सकते हो। हम पैसे देकर के भी उस तरह के होटल्स में रहने का सोच नहीं सकता है, क्योंकि जब मिडिल क्लास फैमिली फॉरेन कंट्री घूमने जाता है ना, तो उसमें भी वो कटौती करता है। जब वो ट्रैवल एजेंट के पास जाता है, वो बोलती है 3 स्टार 4 स्टार चलेगा ना,
थ्री स्टार पे इतना होगा, फोर स्टार पे पैकेज इतना हो जाएगा आपका पूरे ट्रेवल के ट्रिप का, तो आप फोर स्टार या थ्री स्टार में ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। जहां वो फाइव स्टार या सेवन स्टार पर जाते हैं आपका जो बजट है ना वो ओवरशूट हो जाता है, तो आप वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करते हो। बट यहाँ तो हमारे पॉकेट से एक रुपया खर्च नहीं हो रहा है। कंपनी इज गिविंग द ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, टू द हस्बैंड एंड टू वाइफ, ये टू द सन एंड डॉटर। आप दो हैं और दो लोगों को साथ में लेके जा सकते हैं। टू किड्स आर अलाउड, हस्बैंड वाइफ, ये चार लोगों को एमवे लेकर के जाती है। आप जब भी इस बिजनेस में आप फॉरेन ट्रिप्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि अपने जॉब में परफॉर्म किए होंगे, हो सकता है वो फॉरेन ट्रिप पे गए होंगे, लेकिन शायद अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के गए होंगे। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं अकेले घूमने गया था, जब मैं सिटी बैंक में था मैंने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया था, माई फैमिली वॉज बैक होम बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं था। बट इस छह, अभी तक हमने इस बिजनेस में छह ट्रिप ले लिए हैं, जिसमें से तीन चार ट्रिप तो मेरी बेटी मेरे साथ में गई है। तो सोचिए कितना अच्छा एडवांटेज है, और वहां पे आपको खर्च करने के लिए भी पैसे देते हैं और आपको ऐसा रखते हैं जैसे आप लोग किंग और क्वीन हैं। इस तरह का वो रेड कार्पेट आपको ट्रीटमेंट देता है, एक से एक बढ़िया बढ़िया वहाँ पे मतलब क्विजिंस रहता है जो हम सोच नहीं सकते हैं। आप कोई भी होटल में जाइए तो आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो मिलेगा उसमें एक लिमिटेड क्विजिंस होता है। यहाँ पे तो इतना क्विजिंस लोगों के सामने था आपको समझ भी नहीं आता क्या खाएं क्या छोड़ें, किधर से चालू करें किधर से खत्म करें। तो सच काइंड ऑफ अ लाइफ यू विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। Fine, I think इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है। Any questions, anyone has? आप questions पूछ सकते हैं। मैंने वो पावर दे दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ नए लोग हैं यहाँ पे। या शक्ति, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो शक्ति देव। यस सर। या शक्ति, आपने तो शायद बिजनेस का प्लान नहीं देखा है ना? नहीं सर, मेरा तो आज पहला दिन था। अच्छा चलिए, आपको कम से कम कुछ 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 भी समझ में आया, थोड़ा बहुत क्या समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा तो बहुत समझ में आया कि कैसे आगे लेके जाना है, अपना फ्यूचर को ब्राइट करना है। बिल्कुल, आपको कम से कम वो जो करियर पाथ है वो तो दिखा कि क्या मिलेगा। जी सर। और क्या करने से मिलेगा वो भी आपको दिख गया। जी जी। चलिए शक्ति, अच्छा लगा आप आज इन्वॉल्व थे। कुछ नए लोग आए तो उनके सीनियर्स ने पूछा कि हमने नए लोगों को डाले यहाँ पे क्या। मैंने बोला आप इन करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उनको मनी पार्ट तो समझ में आएगा कि इस बिजनेस में पैसा कितना मिलता है। तो हम कल फिर कनेक्ट करेंगे शक्ति, कल आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके यू कनेक्ट विद योरसेल्फ, कि कल हम बिजनेस का प्लान आपको प्रॉपरली सारा कुछ दिखा देंगे कि हाउ दिस मॉडल वर्क्स। ओके सर, ठीक है, चलिए। नाइस नाइस मीटिंग यू हियर इन जूम। फिजिकली तो नहीं मिल पा रहे हैं बट जूम पे मुलाकात हो रही है। आई थिंक ऋषभ इज देयर। Yeah, Rishabh, you have any questions? Sir, right now I don't have any questions, sir. Chalo, actually, sir, ha, bolo. Ha, Rishabh. Ha, sir, ye actually abhi to koi question nahi hai. Lekin sir, ye iska thoda ye PPT mil sakta hai hum log ko? हाँ, पीपीटी भी मिल जाएगा और जो मैंने सारे बातें कही उसको रिकॉर्ड भी किया गया है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर, ओके। ये क्योंकि एक बार पूरा ब्रीफ थ्रू करना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें आपने आज बताया तो थोड़ा एक बार ब्रीफ थ्रू करना पड़ेगा, तब जाए कंफ्यूजन, एक बार क्वेश्चन आएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो पीपीटी को दोबारा देखना और जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना और हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके सर। अच्छा, जितेंद्र इज देयर। हाँ जितेंद्र, 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 गुड इवनिंग। आई थिंक जितेंद्र इज बिजी समवेयर, तो
ठीक है, कुछ नए लोग हैं, आई थिंक फ्यू लेडीज आर देयर, आई थिंक संगीता मैम इज देयर. शिखा मैम, ये आपसे रिलेटेड है क्या, संगीता मैम? हेलो जी साउथ जी. अच्छा, संगीता मैम आपकी फ्रेंड है? एंड हर सिस्टर इज आल्सो देयर. ओके ओके ओके, चलिए मैं संगीता मैम से इंटरेक्ट करता हूँ. या मैम, आपको क्या कुछ कुछ आपने फिगर आउट किया, कुछ समझ में आया आज देख करके? Yeah, ma'am, can you hear me? Yeah. Hello, sir. अच्छा, जी जी. Good evening, ma'am. Very good evening. अच्छा, अभी आपने सारा कुछ तो देखा. क्या कुछ समझ में आया? Anything you can figure out? कुछ समझ में आया आपको? हाँ, ये तो मतलब खुद का ग्रोथ है, उसके साथ कस्टमर का भी ग्रोथ है, तो ये सब है. नहीं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल फिर से एक बार हमारे साथ कनेक्ट होइए, और कल हम बिजनेस, हाँ कल बिजनेस का प्लान हम रख रहे हैं, तो कल ये मॉडल कैसे वर्क करता है और क्या क्या छोटी छोटी चीजें करके देखिए. अभी मैं बताऊंगा, एक क्या बोलते हैं, एक दो एग्जांपल दूंगा. चाइना में एक लेडीज है ली जू मिंग करके, एक लेडी है ली जू मिंग करके, जिन्होंने एट द एज ऑफ 50s बिजनेस को स्टार्ट किया, और डिजिटली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया घर में बैठ करके, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू सर्कल्स उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया. एंड टुडे शी इज अ फाउंडर्स डायमंड इन दिस बिजनेस इन 4 years. वो 4 years में फाउंडर्स डायमंड है, और एक फाउंडर्स डायमंड का जो इनकम होता है समवेयर अराउंड देखा जाए तो इट्स मोर देन 2.4 crores, 2.4 to 3 crores का इनकम होता है. एंड दैट टू एट द एज ऑफ 50 सिटिंग एट होम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, और जो भी सोशल मीडिया चाइना में अवेलेबल है उन्होंने सोशल मीडिया को अपने फेवर में यूज किया. कैन यू रिपीट दैट नेम? मैं आपको उनका लिंक भेज दूंगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. मैं डिटेल भेज दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. यस सर, तो डिटेल मैं आपको भेजूंगा, आप उनको सुनिएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स सर. हाँ, तो कल आप दोबारा कनेक्ट होइए हमारे साथ, तो हम बिजनेस का पूरा प्लान आपको दिखा देंगे. यस सर, थैंक यू सर. हाँ, वेलकम मैम. अच्छा, प्रज्ञा मैम भी हैं क्या लाइन पे? हेलो, हाँ आई थिंक प्रज्ञा मैम इज देयर ना? जी सर. या प्रज्ञा मैम, गुड इवनिंग. उनको मैंने अनम्यूट तो किया है. हाँ, ये प्रज्ञा मैम अनम्यूट नहीं हो पा रहे, देन आई थिंक ठीक है, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ. कल के लिए उनको बोल देंगे सर. हैं क्या आज कनेक्टेड? हाँ, तत्वा इज देयर. हाँ तत्वा, गुड इवनिंग. हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग. हेलो, हाँ तत्वा, आवाज जा रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग. हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग तत्वा, और बोलो क्या समझ में आया आज, देखा तुमने सारा कुछ? हाँ सर, सर समझ तो, हाँ समझ तो आ रहा है सर. हाँ, अभी 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 करना क्या है, अभी आपको हमारा हेल्प लेकर के ना कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू तुम अपने लोगों से मेरी बात करवाओ. ठीक है, हाँ सर. हाँ, तुम्हें सिर्फ उनको मेरे से प्लग इन करना है, बाकी वो जूम पे लोग आ जाएंगे. ठीक है, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक ठीक है सर, आप मेरे को फटाफट कनेक्ट करवाओ ताकि आपकी टीम बननी शुरू होगी. ठीक है सर. हाँ, तो ये जो टोटल है ना, ये 3 years का जो पूरा करियर पाथ है, मैं ये प्रेजेंटेशन सभी को भेज रहा हूँ. आप सब लोग उसको अपने पास रखिए और नोट करके रखिए कि आने वाले 3 साल में हमको यहीं पे पहुंचना है. हाँ,
ठीक है, तो चल लेट्स वर्क फॉर दैट, हम लोग मिलकर के उसके लिए काम करते हैं, ठीक है? हां सर. नेक्स्ट इज आई थिंक अंकुश पटेल इज देयर. यस सर. विष्णु मैं तुम्हें एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ सर. अरे सुनो ना, जस्ट मैं तुमको अभी होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? वो मेरा व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ गया, उसके बाद मेरा वॉइस बिल्कुल लो हो गया, तो मैं तुमको होस्ट बना करके मैं फिर से इन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर. अच्छा नहीं, अभिषेक होस्ट बन गया. अभिषेक